ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो शब्बीर खान पे भी कोई ऐसा एक्शन उठाएगी, क्योंकि उसकी एक आदत है शब्बीर खान की कैसे क्रॉस केस करना, यानी किसी के ऊपर झूठा केस कराना। तो मुझे यही है कि शब्बीर खान ने जो नोटिस अर्जी दिया है उसके ऊपर वो उसके 1.5-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद में फिर वो खुद पर एक अटैक करा के फिर वो मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, ये मेरे को बोलते हैं, बोला के कौन आशा पर के भाई ये पीछे की जगह हमारी है, ये तुमको चाहिए तो तुम हमको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा तो ही तुम बांधना। भाई तुमको हम 2 लाख रुपये क्यों देंगे, आप भाई कौन ये बोलो तो ऊपर आके गाली गलौज करती है। बोले बीएमसी में पुलिस स्टेशन में हमारी एनसी डालेंगे तो हम लोग नंगा करके मारेंगे। ये मतलब इतनी बड़ी डॉन हो गई है कि हसीना पारकर को भी फेल कर दी इसने, दाऊद की बहन को, दाऊद की बहन भी फेल हो गई है इनके आगे। मतलब हसीना पारकर मरी नहीं, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी नगर सेवक खैरुन्निसा अकबर हुसैन। आपके प्यार से और भरोसे से मैं जीत कर आई थी 2014 में, और जो आपने उम्मीद लगाई थी मुझसे वो मैंने पूरा काम करी, और कुछ कुछ बाकी हो गया है। शायद इंशाल्लाह इसके बाद अगर कुछ हम लोग जीत के आए तो इसके ऊपर खड़े उतरेंगे। और इसके बाद में आप लोगों के प्यार से 227 नगर सेवक में से अपने काम पे मैंने 3रे नंबर पर आई थी। और इसके बाद में हमारे 2014 में जीत के आने के बाद से हमने ना किसी के घर में कंप्लेंट करने यानी किसी को करने दिया और ना हमने खुद किया। इसके बाद 2014-15 में मेरे हस्बैंड ने पहलीपाड़ा में एक साइट लिया था, उस पर कॉन्ट्रैक्ट अनिल राठौड़ को दिया था जिस पर शब्बीर ने कंप्लेंट किया। उसके बाद में उसने 25 लाख का डिमांड भी किया, तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया शब्बीर भाई को, तो बोले तुमने कंप्लेंट क्यों किया और 25 लाख रुपए किस वजह से मांगे। तो बोले कि मुझे नहीं पता था वो जगह तुम्हारा है। तो बोले अच्छा ठीक है, आप लोग आप वो वापस कंप्लेंट लो। ने वो कॉल रिकॉर्ड लेकर जाके पुलिस स्टेशन में एक एनसी कराया उनके ऊपर कि राजू ने मुझे धमकी दिया, और पुलिस बिना कुछ जानकारी के बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन के उनके ऊपर एक एनसी ले लिया। उसके 1.5-2 महीने के बाद में शब्बीर ने खुद अपने ऊपर एक अटैक कराया जो चॉपर से, यहाँ पर एक 2 टाके लगे थे, जो नसीम डॉक्टर है वहाँ पर इन लोग की सेटिंग होकर 2 टाके लगा कर इन लोग ने मेरे आदमी के ऊपर 307 का एक केस फिट किए। सेम अभी वैसे ही हालात अभी वापस से आए हैं, जो पहलीपाड़ा की साइड है रॉयल पैलेस के पास, वहाँ पर एक साइड पे मेरे हस्बैंड ने पहले भी बुलाकर बात की, अभी भी बुलाकर उनसे बात की, शब्बीर भाई मैं यहाँ पर काम शुरू कर रहा हूँ, इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो शब्बीर ने कहा नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ना मैं कभी कुछ करूँगा, अगर तुमको जहाँ मेरी ज़रूरत लगे भाई तो मैं वहाँ पे खड़ूँगा, तुम्हारा काम करूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि तुम वहाँ पर काम मत करो, बस कंप्लेंट मत करो। फिर भी उन्होंने वापस से वही हरकत किया मेरे हस्बैंड के खिलाफ, यानी एक वापस एक अर्जी दिया कि मेरे हस्बैंड उनको मारने वाले हैं, ये वो ऐसे बहुत से लोगों के ऊपर उन्होंने झूठी कंप्लेंट भी कराई है। जैसे कि मैं कंप्लेंट करी हूँ वैसे ही मेरे साथ में और भी लोग हैं जिनको इन्होंने धमकी दिया, इनके खिलाफ कंप्लेंट किया, इरफान है, गनी, मुबारक। तो मैं यही कहना चाहूँगी हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन से कि उनके खिलाफ़ ऐसा अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा वन साइड सपोर्ट करके क्या मिलेगा किसी को। जैसे कि अभी शब्बीर ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ एक एनसी का वो कंप्लेंट किया था, अर्जी दिया था पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने उसके ऊपर फटाफट एक्शन ली, उनको 149 की नोटिस दी। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो शब्बीर खान पे भी कोई ऐसा एक्शन उठाएगी, क्योंकि उसकी एक आदत है शब्बीर खान की कैसे क्रॉस केस करना, यानी किसी के ऊपर झूठा केस कराना। तो मुझे यही है कि शब्बीर खान ने जो नोटिस अर्जी दिया है उसके ऊपर वो उसके 1.5-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद में फिर वो खुद पर एक अटैक करा के फिर वो मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश करेगा। तो मुझे यही कहना है पुलिस से कि आप ऐसे कोई झूठे केस पे ध्यान ना दे के उसके पहले जानकारी करना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, फिर बाद में किसी पर केस करना चाहिए। और जैसे कि आप सबको पता है बेग साहब के साथ में क्या हुआ, उनके ऊपर झूठी कंप्लेंट करा के उनके ऊपर एक केस कराया था। ये लोगों का काम धंधा है कि सबसे पैसे यानी मांगते हैं, और अगर ना देने पर उनके ऊपर झूठे कंप्लेंट करना, झूठे केस करना उनका धंधा बना रखे। वैसे ही हमारे साथ में एक भाई ने हम हिम्मत दिखाकर उनके खिलाफ़ एक अर्जी दी है, एक एनसी कराया है। तो ऐसे ही लोग जुड़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे दादागिरी गर्दी करने वालों का
कहानी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे भाई से मिलके बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल खान है, फजल खान। मैं इसीलिए आया हूँ कि आज जो भी मेरे साथ वाक़या बीत रही है ये सब, मैं उसके लिए बयान करना चाहता हूँ कि हर लोग तक ये चीज़ पहुँचे और इसके ऊपर कार्रवाई हो। और ये चीज़ मेरे ऊपर बीत रही है ये मैं सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तो मसला ऐसा है कि मैंने ऊपर ज़मीन ली थी 15x45 की, उसका नाम है मनोहर मन्नू उर्फ मन्नू, और इस ज़मीन मैंने मेरी औरत के नाम पे लिया था, बीबी आमिना अफजल खान। ये ज़मीन लिया गया था 13 लाख रुपए में, इसका मैंने 70,000 रुपया दे चुका हूँ। और उस टाइम पे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, वकील के थ्रू बने थे ये डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स में ऊपर मन्नू का नाम है और नीचे मेरी वाइफ का नाम है, और इसको मैंने पैसा दे चुका हूँ 70,000 रुपया। अब बात ऐसी है कि ये पेपर में मैंने लिख दिया था उसी टाइम कि भाई जैसा जैसा मेरे पास पैसा आएगा वैसा वैसा मैं तुझे दूंगा, तो उसने भी हाँ बोला था और दस्तखत किया था और पैसे को हाथ लगाया था। अब मसला क्या है कि जगह मन्नू की है और दखल अंदाजी आयशा मोहम्मद इब्राहिम शेख की है। अब ये दखल अंदाजी ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं तो मन्नू को जानता हूँ और मन्नू को ही पैसे दूंगा। और 15x45 में से तो आधी ज़मीन तो मेरी बिक गई 8 लाख रुपए में। अब वो बेचने वाले या मन्नू है या आशा पाए, ये दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, जो भी चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज मैं बहुत बड़ा दिल करके आया, क्योंकि आज जो मेरे साथ बीत रहा है हो सकता है कल और किसी के साथ भी बीतेगा ही, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। मैं मारा मारी नहीं चाहता, झगड़ा लफड़ा नहीं चाहता, मैं प्यार मोहब्बत वाला इंसान हूँ। दूसरी बात, ये मेरे को बोलते हैं बोला के कौन आशापा, के भाई ये पीछे की जगह हमारी है, ये तुमको चाहिए तो तुम हमको 2 लाख रुपये देना पड़ेगा तो ही तुम बांधना। भाई तुमको हम 2 लाख रुपये क्यों देंगे, आप है कौन ये बोलो तो ऊपर आके गाली गलौज करती है। बोले बीएमसी में पुलिस स्टेशन में हमारी एनसी डालेंगे तो हम लोग नंगा करके मारेंगे, ये मतलब इतनी बड़ी डॉन हो गई है कि हसीना पारकर को भी फेल कर दी इसने, दाऊद की बहन को, दाऊद की बहन भी फेल हो गई है इनके आगे। मतलब हसीना पारकर मरी नहीं, जिंदा है। और पुलिस में मैं भाई गया था, दो दो एनसी दिया हूँ उनके नाम की, एक एनसी ये है, ये मेरी दस्तखत है, दूसरी एनसी ये है, ये मेरी दस्तखत है। फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं। आज ये चीज़ हमको, हम जो है ये निर्भर करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के जैसा हमारे नज़र में कोई नहीं। पुलिस है तो हम हैं, और पुलिस ही हमारे को कुछ सेवा नहीं कर रही, कुछ हमको हेल्प नहीं कर रही। हम इतने तकलीफ में, हम दो दो एमसी लिखा चुके, अरे आप बुलाओ उनसे, पूछो आखिर बात क्या है। आप बोलते हो कोर्ट में जाओ, अरे कोर्ट में तो जाएंगे भाई, बाकी कैसे कि हम FIR तो लिखो हमारा। आप उनको बुलाओ, हमको बुलाओ, FIR लिखो, आखिर तुम पैसा किस बात के मांग रहे हो मुझसे। और तुम बोलते हो कि एनसी करोगे तो पूरे घर को तुम्हारे नंगा करके मारेंगे, अरे भाई तुम इतनी बड़ी डॉन हो गई कि नंगा करके मारोगे। अभी आप लेडीज हो, आप आपको कुछ भी करेंगे तो आप झूठी FIR लिखाओगे कि भाई इसने मेरा कपड़ा फाड़ा, इसने मेरा इज्जत पे हाथ डाला। तो आदमी लेडीज से तो कुछ मुंह बैर कर नहीं सकता है, आखिर करे तो क्या करे आदमी, रोड पे चले तो गाली, अरे हमारी भी तो इज्जत है ना भाई। इस बात की जानकारी मैंने शब्बीर भाई को 2 टाइम दी फोन करके, बाकायदा शब्बीर भाई को मैंने सब चीज़ बताया, शब्बीर भाई ऐसी 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 बात है। तो शब्बीर भाई ने खुद बोले कि इनका डिस्पैच लेटर ऊपर तक डालो और मैं आऊँगा, मैं आऊँगा सामने। और कुछ दिनों पहले शब्बीर भाई ने कैमरे के सामने बोला गया था
कि वो जमीन ऊपर की जो जंगल है वो कट रही है, इसमें हमारी फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व है। ये शब्बीर भाई का बयान था इस बात पे, समझे ना। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियो पुरानी चल रही है शब्बीर भाई के नाम से कि भाई 20 लाख 2 फ्लैट 4 फ्लैट 18 लाख 8 लाख, जो यकीन नहीं भी मानने वाला है वो आज यकीन मानेगा, क्योंकि आपकी सास ने मेरे मुझसे पैसे 2 लाख रुपए मांगे। मैं वो इंसान हूँ, आखिर क्यों मांगी भाई? तो आपकी जमीन है, आपके पेपर है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप मुझे बताओ। दादागिरी से तो कुछ नहीं होता, पुलिस स्टेशन में जाओ तो खुल्ला बोलती है कि नंगा करके मारूंगी। रात के 3 बजे की ये एनसी है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये 3 बजे की एनसी है। रात के 3 बजे मन्नू ने मेरा आके दरवाजा ठोका, बोले आशापा तुमको नीचे बुला रहा है। तो मैं बोला तू अभी यहाँ से जा, और मैं रात को नीचे उतरा, मैं देखा कोई नहीं था। इस दरमियान मुझे कुछ भी हुआ, चाहे मुझे वार हुआ, गोली लगी, या मुझे रोड पे किसी ने भी हाथ डाला, क्योंकि यहाँ से लेके क्राफर्ड मार्केट तक मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ पे धंधा पानी है क्राफर्ड मार्केट में। मैं कंटेनर आता है और उसका जो कमीशन दूसरे को बेच के हम लोग को कमीशन मिलता है वो हम लोग खाना खाते, हम लोग किसी का हराम का नहीं खाते, और अल्लाह खिलावे भी नहीं किसी का हराम का। ये रिकॉर्ड है मेरा, मैंने किसी को भी खिला दिया, किसी का खाया नहीं। तो ये मेरी गुजारिश है, पुलिस से आवेदन है, पुलिस कमिश्नर एसीपी डीसीपी से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लिया जाए। आज ये एक्शन नहीं लिया गया तो कानून कुछ नहीं समझेगा आदमी, संविधान कुछ नहीं समझेगा आदमी। और दूसरी बात ये है कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग ब्याज का पैसा नहीं खाते हैं, मैं आज उसको भी ओपन करूँगा। मेरे को इन्होंने 75,000 रुपया दिया था एज अ लोन के लिए, मेरे को नहीं दिया था, मतलब मेरे फ्रेंड को दिया था, मेरे थ्रू दिया था इन्होंने पैसा। अब उसने एक महीने का टाइम दिया था, एक महीने से आज 4-5 महीना हो गया, फिर दूसरे महीने में इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो मेरा 20% ब्याज चाहिए। 20% ब्याज मैंने दिया, 3 महीना दिया, ये 4th महीना है। 15,000 रुपये के हिसाब से मैं आशापा के डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहा हूँ पैसा, ये मेरे पास एविडेंस है, ये देख सकते हैं। 10,000 करके 3 टाइम डाला हूँ, 10,000 रुपया कैश दिया हूँ, और 5,000 रुपया फिर दिया हूँ बैंक में। अभी 15,000 रुपया और देने का है मुझे, तो मुझे शबे बारात के एक दिन पहला फ़ोन के ऊपर गाली गलौज किया। मैं बोला देखो आपा, मैं आपसे गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, और आप पैसा ले रहे हो इसका, मैं बोला। तो मैं बोलता हूँ कि आप ब्याज लेते हो, क्योंकि मैं दे रहा हूँ आपको, और 15,000 रुपया अभी ये महीने का भी देना है तो वो भी दूंगा, बाकी मैं अभी पुलिस स्टेशन में आपको बुला के दूंगा पैसा। और मुझे इस ब्याज का लाइसेंस तुमको दिखाना पड़ेगा 20% का, तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो मैं आपको कोर्ट तक खींचूंगा इस मैटर में। और दूसरी बात ये है कि भाई ज़मीनें बिक रही है ऊपर 8-8 लाख 9-9 लाख, ये कौन बेच रहा है? मतलब मेरी जानकारी से ये मन्नू और ये आशापा ही है जो शब्बीर भाई की सास है, आप समझे। और मैं पुलिस से ये निवेदन करता हूँ, ये जो दादागिरी हो रही है और ये वसूली गैंग चल रही है, इसे बंद कराइए, क्योंकि मुझे और मेरी फैमिली को धमकी भी दिया गया 2-3 दिन पहला, मैंने फिर एनसी कराया जाके, ये सेकेंड एनसी वापस आशापा के नाम से है कि बोले मैं तलवार से मारूंगी, ये सेकेंड एनसी है तलवार से मारूंगी, ये मैंने पुलिस स्टेशन में जाके बयान किया कि साहब ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसा ऐसा सब चीज़ है, तो उन्होंने मेरी एनसी ली, बट FIR नहीं लिया गया। मैं चुपचाप वहाँ से एनसी लेके चला आया, फिर भी मैंने शब्बीर भाई को फ़ोन करके बोला आपकी सास ऐसी ऐसी हरकतें कर रही, तो उन्होंने यही बयान दिया है कि मेरा उनका ताल्लुकात नहीं है, मैं उनसे बातचीत नहीं करता, यही बयान उन्होंने दिया है, और उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मेरे आगे।
तो ये जो भी है भाई, ये पब्लिक के सामने कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये मुझे ये दो चीज़ पे फैसला मुझे चाहिए कानून व्यवस्था के साथ। मैं इनको ब्याज दूंगा, बाकी मुझे लाइसेंस 20% का दिखाना पड़ेगा चौकी के अंदर, और हैंड राइटिंग में लिख के देवे मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास मुझे इस अथॉरिटी है इस चीज़ की लेने की, मैं आपको पैसे दूंगा, नहीं तो मैं आपको कोर्ट तक घसीटूंगा। ये मेरा वादा है आपसे।